हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। फाइनली ईएसआईसी एमटीएस के एग्जाम ओवर हो चुके हैं। अब अभी तक आपकी मॉर्निंग से जो टेंशन थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हुई होगी, क्योंकि पेपर आपका हर शिफ्ट में आपका इजी आया था। लेकिन अब फिर से एक टेंशन ये चालू हो गई कि क्या मैं मेंस के लिए प्रिपेयर अभी से स्टार्ट करूं या अभी मैं रिजल्ट का वेट करूं। तो आपका ये जो डाउट है, ये आज आपका मैं इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। साथ ही एक और हेल्प आप सभी की लगेगी, वो भी मैं आपको नेक्स्ट अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज बात करते हैं चारों शिफ्ट के बारे में। तो भाई, चारों शिफ्ट में रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश के जो आपके क्वेश्चन थे वो आपके बहुत इक्वल लेवल के हुए थे, कोई भी डिफरेंस नहीं था। लेकिन बात करें जीए सेक्शन में, तो जीए सेक्शन में जो थोड़ा सा एक डिफरेंस देखने को मिला था कि जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस आपको आते थे वो कहीं के इजीली कर लेगा, जिनको नहीं आते थे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। क्योंकि शिफ्ट टू का जो पेपर था जीए का, वो काफी इजी था एज कंपेयर टू शिफ्ट वन टू वन थ्री एंड फोर। ठीक है, तो इवन थोड़ा सा जो गुड अटेम्प्ट स्टूडेंट्स का रहा है वो शिफ्ट टू में आपका ज्यादा देखने को मिला है एज कम्पेयर टू शिफ्ट वन थ्री एंड फोर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ओवरऑल आपके गुड अटेम्प्ट क्या रहेंगे, कि अगर आपने कितने अटेम्प्ट किए जिससे मैं मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं, तो यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में जैसा कि देखा कि मॉर्निंग में जो एक सेफ अटेम्प्ट था वो आपका था 82 से 84। अगर हम बात करें आपका शिफ्ट टू में बढ़ के आपका 87 से 88 आपका हो गया था, क्योंकि जीए का पोर्शन कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे उन्होंने मॉर्निंग में जीए के पोर्शन लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके छोड़ दिए थे, लेकिन शिफ्ट टू में उन्होंने पूरे अटेम्प्ट किए हैं। बात करें शिफ्ट थ्री में, तो शिफ्ट थ्री में भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जीए में छोड़े हैं, लगभग 22 से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो यहां पर जो आपका गुड अटेम्प्ट आ जाता है 85 to 86। अगर हम बात करें शिफ्ट फोर में, तो यहां पर फिर आपका जो अटेम्प्ट है वो आपका 84 से 86 के करीब आपका आ जाता है। लेकिन शिफ्ट वन में थोड़ा सा जीए का वेरिएशन आपको देखने को मिला था, जिसके कारण से अटेम्प्ट आपका कम रहा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आप सभी ने अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे किए, लेकिन आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वेश्चन सही किया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2016 की सीजीएल की बात है, पेपर बहुत इजी आया था और लोगों को ये लग रहा था कि अरे यार मैं तो पेपर 180 प्लस करके आई हूँ, कट ऑफ 150 प्लस जाएगी, लेकिन उतनी नहीं गई, 137 आपकी गई थी, जो कि बाकी अदर ईयर से आपकी ज्यादा थी। लेकिन उसमें कई सारी ऐसी चीजें देखने को ये मिली थी कि पेपर तो बहुत इजी आया था, लेकिन आप सभी जल्दी जल्दी में कई सारी ऐसी मिस्टेक्स कर गए जो बाद में आपको रियलाइज हुई। तो कई सारी ऐसी मिस्टेक्स भी आप सभी स्टूडेंट ने करी होंगी, जो ऑलरेडी पेपर दे चुके स्टूडेंट वो कहीं ना कहीं इन सारी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर चुके होंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि ओवरऑल आपके अटेम्प्ट आपके क्या होंगे, तो उसके लिए आप सभी को अपने अटेम्प्ट से शेयर करने होंगे मुझसे। आपको एक काम करना है कि आपने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया है वो शिफ्ट आपको लिखनी है, आपने कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए और आपको क्या लगता है कि आपका जो मार्क्स हैं वो आपके कितने आएंगे, ये तीन चीजें आपको लिखनी है। साथ ही आपको अपनी कैटेगरी भी आपको लिखनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने किस स्टेट से फॉर्म भरा हुआ है, क्योंकि ये चीज आपके सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने दिल्ली यूपी से फॉर्म भरा होगा, ठीक है, उनकी कट ऑफ जो है वो आपकी बहुत ज्यादा जाने के आसार है। तो आप अपना स्टेट जरूर लिखे, जिससे मैं स्टेट वाइज एक आपका जो अटेम्प्ट है वो मैं एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकूं। साथ ही जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ही आसानी होगी आप सभी के लिए मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए, आपको पता लगेगा। तो आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट हो सके। अब ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी में रखता हूं कि आप कितना ज्यादा डेटा जो है वो मुझे कलेक्ट करवा पाते हैं, ठीक है। बाकी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट भी आई है, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि मैंने आपको यूडीसी में बताया था कि जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कट ऑफ आपकी बहुत कम जाती है। तो मे बी आप सभी ने अगर इन स्टेट्स से फॉर्म भरा है तो आपके जो अटेम्प्ट है वो कहीं ना कहीं आपके थोड़ा सा कम रहेंगे बाकी अदर स्टूडेंट से। तो हर स्टेट का एक अलग, जैसे कुछ मैंने बताया था कुछ जगह हायर कट ऑफ भी जाती है, उनका भी मैंने स्टेट्स आपको बताया, दिल्ली यूपी हो गया, बाकी बिहार आपका हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो हर स्टेट्स का मैं एक अलग वीडियो में आपका ले आऊंगा, ठीक है, किस किस स्टेट में आपका क्या क्या अटेम्प्ट आपने किए हुए हैं, तो आप पूरी तरीके से सेफ है, आपको अभी से मेन की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इस पर भी एक अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन आप सभी को डेटा ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करवाना है, जिससे जो एग्जैक्ट जो अटेम्प्ट है वो निकल सके और आप सभी अभी
अभी से ही मेंस के लिए प्रिपेयर कर पाए, क्योंकि ज्यादा टाइम आपको में नहीं मिलने वाला है। मे भी हो सकता है कि आपका जो मेंस का एग्जाम हो वो आपका जून फर्स्ट वीक या मई लास्ट में आपका हर हाल में कंडक्ट करा लिया जाए, तो ऐसे में बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आपकी कई सारी चीजों की बनती है। बाकी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अभी आप थोड़ा सा अपने आप को फ्री फील करिए, अभी थोड़ा सा इन सब चीजों को निकाल दीजिए। पेपर जैसा भी रहा आपने बहुत अच्छा किया होगा। अब मेन ये फोकस करिए कि आगे आपको क्या करना है। अभी FCI का रिक्रूटमेंट आने वाला है, मैंने ऑलरेडी IARI के असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसको उसका फॉर्म भरिए, देख लीजिए आपको उसको। साथ ही SBI क्लर्क का भी आपका सेकंड वीक में आपका नोटिफिकेशन आपका आने वाला है। तो अभी बाकी सारे एग्जाम्स को भी देखिए, लेकिन इसके लिए आप मेंस की प्रिपेयर भी रहिए कि मुझे मेंस भी आगे आपको देना है। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई होने वाला है, सेक्शनल कट ऑफ आपका कोई भी नहीं है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पर कई सारी ऐसी अपडेट्स हैं वो मैं रहता हूं, क्योंकि चैनल पे मैं सारी अपडेट्स नहीं डाल पाता हूं वो। तो ग्रुप जॉब जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर लिंक नहीं वर्क कर रहा आप कमेंट करिए तो मैं आपको यूजर नेम बता दे रहा हूं। सरकारी नौकरी वाले बाबा आप सर्च करिएगा तो वो आपको ग्रुप जो है वो आपको मिल जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट आप सभी में से जितने भी स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने मेहनत करी आप सभी पास हो। बाकी रिजल्ट के बारे में अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। ओके।